नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, एक बड़ी खबर चाइना की तरफ से आ रही है, जो कि भारत के सैटेलाइट्स को हाईजैक करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि कैसे चीन वॉर टाइम कम्युनिकेशन यानी कि युद्धकालीन संचार पर नियंत्रण कर सकता है। दरअसल रूस और बीजिंग दोनों ने हाल ही में सैटेलाइट जैमिंग और अन्य उपकरणों में काफी प्रगति भी कर दी है। दोस्तों, CIA की एक रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें बताया गया है कि चीन हैकिंग क्षमताओं का निर्माण कर रहा है, जो कि दुश्मन के सैटेलाइट्स के नियंत्रण को अपने कब्जे में कर सकते हैं। दरअसल व्यापार और जियोपॉलिटिक्स को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच तनाव चल रहा है। इसके अलावा चीन ताइवान पर भी आक्रमण करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, CIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुश्मन के सैटेलाइट को डिनाय, एक्सप्लॉइट और हाईजैक करने की योजना चीन के लक्ष्य का प्रमुख हिस्सा बन चुका है, जिसे चाइना एक महत्वपूर्ण वॉर फाइटिंग डोमेन मानता है। यही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चाइना के जो साइबर हथियार हैं, वो सैटेलाइट्स के संचार और सर्विलांस को युद्ध के समय बेकार कर सकते हैं। ये उन सिग्नल्स की नकल करके जो दुश्मन के सैटेलाइट्स अपने ऑपरेटरों से प्राप्त करते हैं, जिसे उन्हें या तो पूरी तरीके से नियंत्रण में लिया जा सकता है या फिर युद्ध में महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान खराब किया जा सकता है। चाइना के ये हथियार सैटेलाइट्स की क्षमताओं को कम कर सकते हैं, जो कि एक साथ समूह में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, हथियार प्रणाली के लिए रिले ऑर्डर देते हैं और विजुअल और इंटरसेप्टेड इलेक्ट्रॉनिक डेटा को वापस भेजते हैं। चीन पिछले एक दशक से सैटेलाइट कम्युनिकेशन सहित अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमताओं का निर्माण करने के लिए काफी आगे बढ़ रहा है। CIA के इस खुलासे से अमेरिका की स्पेस फोर्स को भी एक बड़ी चिंता हो गई है, क्योंकि रूस और चीन एक नए दौर का खतरा पैदा कर रहे हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के प्रतिद्वंदी लेजरों और चकाचौंध का उपयोग कर सकते हैं, जो सैटेलाइट इमेजरी के संग्रह को रोकने के लिए कैमरों के साथ हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने ये भी नोट किया कि कैसे रूस ने 2021 के अंत में एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हम ऐसे सैटेलाइट्स को देख रहे हैं जो वास्तव में एक और सैटेलाइट को पकड़ सकते हैं, इसके साथ हाथापाई तक कर सकते हैं और इसे अपने ऑर्बिट से बाहर खींच सकते हैं। इसीलिए ये एक चिंता का विषय है। दोस्तों, अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया कि चीन की सेना ने 347 सैटेलाइट्स को तैनात किया है, जिसमें कि पिछले 6 महीनों में लॉन्च किए 35 सैटेलाइट्स भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भविष्य में किसी भी संघर्ष में अमेरिकी सेना या फिर उसके अन्य दुश्मन, जिनमें कि भारत भी आता है, उनकी सैटेलाइट्स की निगरानी, ट्रैकिंग, लक्ष्यीकरण और उन पर हमला कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रशिया भी इस मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि रशिया ने इस तरीके की नई तकनीक का परीक्षण करना भी शुरू कर दिया है, जिसने कि यूक्रेन की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट संचालन तक पहुंच को जाम कर दिया, जिसे कि एलन मस्क ने युद्ध की शुरुआत में कीव को दान किया था। स्टारलिंक यूक्रेन की सेना के लिए एक बड़ा वरदान है, जिसने उन्हें युद्ध के मैदान में और बाहर खुफिया जानकारी देने और संचार करने में मदद दी। और रशिया ने इस युद्ध के दौरान एक ट्रक आधारित प्रणाली तिराज 2 के माध्यम से सैटेलाइट जैमिंग का उपयोग बढ़ा दिया है, जो कि जमीन पर सैटेलाइट इंटरनेट रिसेप्शन में हस्तक्षेप करता है। वहीं ब्रिटेन की तरफ से भी चेतावनी दी गई है कि चाइना साइबर स्पेस में वैश्विक तकनीकी वर्चस्व यानी कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी का लक्ष्य बना रहा है और खुफिया और निगरानी अभियान चलाने के लिए अपनी साइबर क्षमताओं का उपयोग कर रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चीन अपनी साइबर क्षमताओं का उपयोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हासिल करने और अपने स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल गोल्स को हासिल करने के लिए वैश्विक जासूसी अभियान चला रहा है। ऐसे में ये बात साफ हो जाती है, जहां चाइना अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों को नहीं छोड़ रहा, ऐसे में तो भारत उसका बिल्कुल करीबी पड़ोसी है। तो ये सारी प्लानिंग जो चाइना कर रहा है अपने दुश्मनों की सैटेलाइट्स को हाईजैक करने का, उसमें भारत भी शामिल है। ऐसे में दोस्तों, भारत को भी अब इसी तरीके के काम में प्रगति करनी चाहिए, जिसके लिए बकायदा भारत रशिया के साथ मिलकर या फिर अमेरिका के साथ मिलकर इस तरीके की जो सैटेलाइट जैमिंग और अन्य उपकरण हैं उन्हें बना सकता है। और ये समय की मांग है, क्योंकि हर युद्ध टैंकों और फाइटर जेट से नहीं लड़ा जा सकता। असली खतरा तो अंतरिक्ष क्षेत्र से है, जो कि स्पेस वॉर के रूप में आने वाले समय में देखा जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।